नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी में देशवासियों के साथ विचार किए साझा। कहा, जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए हर जिले में अमृत सरोवरों का किया जा रहा है निर्माण। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग सचिव अजय तिर्की ने विश्व बैंक टीम के साथ रिवॉर्ड कार्यक्रम की समीक्षा। किसानों की अनुकूलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है रिवॉर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को भिवानी के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। कहा, दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। किसानों को नई तकनीकी खेती की मिलेंगी जानकारियां। मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर से नमी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम रहेगा सुहाना। उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिन रहेगी आंधी तूफान। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका। अन्य इलाकों में आंधी तूफान की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए सरकार देश के हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण करवा रही है। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण पर काम कर रहे कुछ स्टार्टअप की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने भविष्य में जल संकट को लेकर कहा, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए प्रयासरत कुछ स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। ये स्टार्टअप जल प्रबंधन के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगरानी रखने पर काम कर रहे हैं। वहीं एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो जल स्रोतों के लिए एक समस्या बनी जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहा है। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जेन। ये स्टार्टअप IoT एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप, उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जल कुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जल कुंभी
कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। प्रधानमंत्री ने घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में भी लोगों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में भी बात की। जाहिर है सरकार जल संकट को लेकर काफी गंभीर है और इससे निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर ऐसे में जन भागीदारी भी हो तो बेशक भविष्य में इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिवाजी श्यामराव डोले का जिक्र करते हुए कहा कि डोले जी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी संस्था जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चारों के ही प्रतिबिंब हैं। 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। कुछ वर्ष पहले देश के वैज्ञानिकों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी श्यामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया, यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो दो बड़ी विशेषताएं हैं, जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूं। इस प्रयास से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा।
भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने कृषि अनुकूलता के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर कायाकल्प जल संभर रिवॉर्ड के कार्यान्वयन सहायता मिशन की समीक्षा की। रिवॉर्ड विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक जल संभर विकास कार्यक्रम है, जिसे 2021 से 2026 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। रिवॉर्ड कार्यक्रम का विकास उद्देश्य किसानों की अनुकूलता बढ़ाने और सहभागी राज्यों के चयनित जल संभरों में मूल्य श्रृंखला की सहायता करने के लिए उन्नत जल संभर प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और कर्नाटक तथा ओडिशा राज्यों में आधुनिक जल संभर प्रथाओं को लागू करने के लिए किया जा रहा है। रिवॉर्ड कार्यक्रम का कुल बजट परिव्यय 4.5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि में 167.71 मिलियन डॉलर है। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को भिवानी के गांव खरकड़ी में करोड़ों रुपयों की लागत से 150 एकड़ से में बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों को नई तकनीक की खेती की जानकारियां मिलेंगी और इस प्रोजेक्ट को दूर दराज के इलाकों से लोग देखने के लिए आया करेंगे। मौसम विभाग में वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने कहा कि अरब सागर से नमी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में ऐसा ही मौसम रहेगा। इसका प्रभाव अधिकतर उत्तर प्रदेश में रहेगा और उसके अगले दिन से इसमें कमी आएगी। उत्तर पश्चिमी भारत में 5 दिन आंधी तूफान रहेगा। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन आंधी तूफान की आशंका है। मौसम विभाग ने हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार को उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका और अन्य इलाकों में आंधी तूफान की संभावना है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज और कल हमारा ये जो सीवियर वेदर जो कल रात से शुरू हुआ है और पहले भी कल परसों भी जो वेदर था वही वेदर अभी और एक दो दिन चलेगी। अरेबियन सी से जो मॉइस्चर आने का होता है बहुत स्ट्रांग मॉइस्चर आ रहा है आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सिनॉप्टिक सिस्टम्स भी ऐसा अलाइंड है कि हमें लग रहा है कि आज और कल आपका सीवियर एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगा नॉर्थ राजस्थान में, नॉर्थ यूपी में और हरियाणा में। पंजाब उतना ज़्यादा नहीं उम्मीद कर रहे हैं और ये कल से थोड़ा ईस्टवर्ड शिफ्ट होके यूपी में ही ज़्यादा फोकस रहेगा और परसों से थोड़ा कम हो जाएगा, मगर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरा पांचों ही दिन रहने का उम्मीद है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हर घर जल मिशन भारत के सभी लोगों को सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत लोगों को पीने के पानी की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं इस पर क्या कहा लोगों ने। पहले नाल नहीं था तो दिक्कत होता था, अभी घर है पानी। हमने नदी से आवाज लिया, आप टांकी बैठा गए तो यहाँ हमने पानी पिया है इसी नाल में। यहाँ हमारे गांव में कई सालों से पानी की समस्या चल रही थी, जो कि पानी बहुत प्रदूषित हो चुका था। हर घर में गंदा पानी था, जिसकी वजह से कई बच्चे कई फैमिलीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और अब हमारे घर में ही साफ पानी आ गया है। तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसी योजना बनाई। पहले हम हैंडपम्प से पानी भरते थे पर ये बहुत गंदा पानी था, अब हम ये ट्यूबवेल वाला पानी है और इससे पानी भरते हैं, ये पानी साफ है। हम दूर दूर पे पानी लेने जाते थे, हमें बहुत दिक्कत होती थी पानी लेने के लिए और आज हमारे घर में पानी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बीमारी का भी कोई अभी डर नहीं है। अभी हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। P
पीएम उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब माताओं और बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की एपीएल बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार अभी तक 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन मुहैया करा चुकी है। गैस मिली है प्रधानमंत्री के दिन गैस मिली है। बहुत समझता रही चूल्हा में बनाते थे धुआं धक्कर लगता था, हम नहीं लगा। पहले धुआं लगता था चूल्हे में बनाते थे, आगे नहीं जल पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा। जब से हमको योजना मिले है सरकार हमको गैस दे दिए हैं, तो बच्चे के समय से टिफिन बना देते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं थी, जब से हमको ये योजना मिली है तब से बहुत हम लोगों का आराम है। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर सभी को प्रदान कर रहे हैं, इससे सभी लोग बहुत खुश हैं और ऐसे ही हमारे मोदी जी करते रहें। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 26 मई को गेहूं का भाव था 2,240 रुपए। 27 मई को इसके सौदों में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 26 मई को गेहूं का भाव रहा 2,225 रुपए। 27 मई को इसमें 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2,220 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 26 मई को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए, जो 27 मई को 20 रुपए गिरकर 2,280 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए, 27 मई को 10 रुपए चढ़कर 2,310 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव दर्ज किया गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल गेहूं की पैदावार 1,077.42 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 26 मई को उड़द का भाव था 8,100 रुपए, 27 मई को ये 250 रुपए चढ़कर 8,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 26 मई को उड़द का भाव 6,850 रुपए था, जो कि 27 मई को 100 रुपए बढ़कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में 26 मई को उड़द का भाव 7,680 रुपए रहा, 27 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,680 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 इसका भाव 7,950 रुपए था, 27 मई को इसके सौदे 5 रुपए गिरकर 7,945 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26.12 लाख टन रहेगी,
जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 27.76 लाख टन था, यानी इस बार उड़द की उपज में 1.64 लाख टन की कमी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अरुणाचल प्रदेश में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए किसान मक्का, लोबिया और भिंडी की बुआई का काम फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही यहां जिन खेतों में बुआई हो चुकी है उन खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। अरुणाचल प्रदेश में ही इस समय किसी प्रकार का छिड़काव भी ना करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में बोरुधान में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट की बुआई करते रहें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान अहू धान की नर्सरी लगाते रहें। यहीं मक्के की बुआई भी कर लें। बराक घाटी इलाके के किसान धान की रोपाई के 20 और 40 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहां गन्ना, केला, अदरक और हल्दी की रोपाई करें। यहीं मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उत्तरी असम के मैदानी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। मेघालय के किसान इस समय टमाटर और शिमला मिर्च की रोपाई करते रहें। यहीं इस समय स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई और अनानास की कटाई करते रहें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 2 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है, नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई, इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। हवन पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधीनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लेकर नंगे पैर पूरी श्रद्धा के साथ हाथों में सेंगोल लेकर पीएम संसद भवन के अंदर गए और स्पीकर की कुर्सी के पास विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की। सेंगोल के स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना वीडियो साझा कर कहा कि संसद का ये नवनिर्मित भवन हमारे महान लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक है, जो नए और मजबूत भारत की तस्वीर बनेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने वॉइस ओवर में वीडियो को ट्वीट किया। सिनेमा जगत भी संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर काफी उत्साहित है। नए संसद भवन को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने उम्मीदों का नया घर कहा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर अक्षय कुमार ने भी वॉइस ओवर किया। देश भर में नए संसद भवन को लेकर उत्साह का माहौल है, लेकिन विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्षी दल गणतंत्र को हमेशा से कमजोर करता आया है। पुरी के समुद्र तट पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से पीएम मोदी और नए संसद भवन समेत सेंगोल की प्रतिकृति बनाई है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।